दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग के 192 लीटर के 2-स्टार रेफ्रिजरेटर को और साथ ही साथ उसको करेंगे डिटेल में रिव्यू और वीडियो के एंड में बताऊंगा क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं। तो वीडियो होने वाले बहुत ही धमाकेदार, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टन्ना शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें इस रेफ्रिजरेटर के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी प्राइसिंग, जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। इसकी प्राइसिंग है अमेजोन पे, मैंने ये ऑनलाइन परचेस किया है और इसकी प्राइसिंग है 11,490 रुपीज़ एज इफ नाउ सेल चल रहा है, और ये मुझे पड़ा है 8,500 रुपीज़ का। कैसे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस रेफ्रिजरेटर की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों कुछ इस तरह के बॉक्स में ये रेफ्रिजरेटर आता है और आप सामने की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है इसी बॉक्स में जो इसी रेफ्रिजरेटर से जुड़ी हुई है। और बॉक्स के राइट साइड में देखें तो यहाँ पे इंपोर्टेड बाय और मार्केटेड बाय की डिटेल्स मिल जाती है और यहाँ पे डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पे बॉक्स में क्या क्या कंटेंट दिया गया वो भी आपको दिखने मिल जाएगा और प्राइसिंग भी लिखी गई है। उस पर इस समय ध्यान मत दीजिए क्योंकि प्राइसिंग में आपको एकदम ज़बरदस्त वाली एंड में बताने वाला हूँ। और अब जल्दी से खोल लेते हैं इस रेफ्रिजरेटर के बड़े से बॉक्स को। रेफ्रिजरेटर के अलावा बॉक्स में आपको एक यूजर मैनुअल देखने मिल जाएगा जो काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है इसी रेफ्रिजरेटर के बारे में। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इस बॉक्स में हमें एक वारंटी कार्ड भी मिल जाता है और एक इजी रेफरेंस गाइड मिल जाता है जो एक ही पेपर का है। और यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन देखने मिल जाएंगे, टेम्परेचर सेटिंग्स की इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएंगे, कस्टमर यूसेज और बाकी इसके डूज एंड डोंट्स क्या है, इस रेफ्रिजरेटर कैसे इस्तेमाल करना है, सब कुछ आपको देखने मिल जाएगा इस एक छोटे से पेपर में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे आपको एक की भी मिल जाता है जो इसी रेफ्रिजरेटर के डोर को लॉक करने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे बात करें इस रेफ्रिजरेटर के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे हमें एक ही कलर दिया गया इस वेरिएंट में जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सर्वर का कलर देखने मिल जाएगा। और फ्रंट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है और साथ साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2-स्टार का रेफ्रिजरेटर है और इसमें जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो भी दिया गया है। बात करें इस रेफ्रिजरेटर के साइड के बारे में तो यहाँ पे आपको डार्क ग्रे कलर मिल जाता है और इसकी जो फिनिशिंग है मैट फिनिशिंग के साथ आता है और ऊपर के साइड जो कवर है उसमें भी आपको मैट फिनिशिंग देखने मिल जाएगा। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, एकदम अच्छे और प्रीमियम क्वालिटी का जो मटेरियल यूज किया गया है ऐसा लगता है इसको देखे। और बात करें इस रेफ्रिजरेटर के पीछे साइड में तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डिजाइन देखने मिल जाएगा जहां पे एक थिन प्लेट से पूरा का पूरा जो बैक है पूरा कवर किया गया है, कुछ भी हमें देखने नहीं मिलेगा। और नीचे आपको एक जनरल कंप्रेसर दिया गया है और इसी के साथ ही साथ जो ड्रेनेज का जो पानी निकलता है वो भी आपको इसमें देखने मिल जाएगा और ये एक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है। बात कर ले यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के इनसाइड कंपार्टमेंट के बारे में, तो सबसे ऊपर की तरफ आपको देखने मिल जाएगा एक मिनी फ्रीजर और उसके साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको थर्मोस्टैट दिया गया है जहां पे आप टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हो वेदर के हिसाब से। तो आप यहां पे देख सकते हो मॉनसून, समर और विंटर का ऑप्शन है यहां पे आपको इस रेफ्रिजरेटर में देखने मिल जाता है। उसके नीचे देखेंगे तो यहां पे चिल ट्रे दिया गया है, उसके बाद अलग अलग शेल्फ मिल जाते हैं जो कि ग्लास मटेरियल के बनाए गए हैं और यहां पे सबसे नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पे आपको वेजिटेबल बॉक्स मिल जाता है। और बात करें रेफ्रिजरेटर के डोर साइड में तो यहां पे आपको अलग अलग कंपार्टमेंट दिए गए, जैसे एग वगैरह रख सकते हो, राउंड सर्कल का कुछ भी रख सकते हो, जैसे नींबू वगैरह भी रख सकते हो बाद में, बॉटल वगैरह, तो ये सेक्शन आपको रेफ्रिजरेटर के साइड में देखने को मिल जाता है। और जहां तक सवाल है रेफ्रिजरेटर के लेग्स का, जो यहां पे आपको दो ही देखने मिलेगा, एक्चुअली में अगर 4 होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन यहां पे इस रेफ्रिजरेटर में आपको सिर्फ 2 ही लेग्स देखने मिलेंगे। और बात करें यहां पे रेफ्रिजरेटर के डोर के बारे में तो यहां पे हमें एक हैंडल मिल जाता है जिसके थ्रू हम इजीली ओपन कर सकते हैं और जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ डोर के टॉप राइट साइड पे एक हिंज देखने मिल जाएगी जिसके थ्रू इजीली डोर ओपन और क्लोज होता है। सो ओवरऑल इस रेफ्रिजरेटर की लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट जो अंदर के जो कंपार्टमेंट और स्टोरेज है काफी सफिशिएंट है और यहाँ पे अगर आपकी फैमिली 3 से 4 लोग की है तो ये रेफ्रिजरेटर रिकमेंडेड होगा मेरी तरफ से। और यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है 192 लीटर की है तो यहाँ पे काफी इनफ होगा, 3-4 अगर लोग है फैमिली मेंबर में तो आप बहुत ही अच्छी तरह से ये रेफ्रिजरेटर फिट बैठ जाएगा, काफी यूजफुल भी है। और इस रेफ्रिजरेटर को मैं पिछले 7 दिन से यूज़ करो और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, कूलिंग वगैरह बहुत ही
क्विक होती है और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा अब तक। और इसका एक लॉन्ग टर्म भी रिव्यू करूंगा तो उसमें आपको और डिटेल में समझा सकता हूँ कि कैसा रहा अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस। और अब यहाँ पे बात करें इस रेफ्रिजरेटर के कुछ पॉइंटर्स के बारे में जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे इस रेफ्रिजरेटर की, जहाँ पे आपको जो रेफ्रिजरेटर के साइड वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा गर्म होता है। पहले जब मैंने स्टार्ट करके यूज़ करना चालू किया तो मुझे लगा कुछ खराबी तो नहीं है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे साइड में पढ़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई ये साइड का जो हिस्सा है वो थोड़ा गर्म होगा क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह न लगे या फिर उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जो साइड का हिस्सा है उसको गर्म रखा गया है। यहाँ पे घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। और यहाँ पे ये डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है तो यहाँ पे आपको मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हफ्ते या दो हफ्ते बाद आपको मैनुअली जाके बटन प्रेस करना है जिससे जो भी बर्फ जमी है वो निकल जाए और आपको ड्रेनेज का जो पानी है वो फेंकना पड़ेगा। तो ये रेफ्रिजरेटर में आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है। और इसी के साथ ही साथ अब यहाँ पे बात करें इस रेफ्रिजरेटर में आती है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 ईयर का जो वारंटी मिलता है वो कंप्रेसर पे मिलता है, जो मुझे लगता है काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आता है। मैं पूरा वारंटी कार्ड का जो टर्म्स एंड कंडीशन है सब पढ़ने का, मुझे लगता है कि जो 10 ईयर है खाली बोलने के लिए ही है। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन होगा कि मैं खुद अपने लिए परचेस कर रहा हूँ गो वारंटी से एक्सटेंडेड ब्रांड वारंटी, जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस ये रेफ्रिजरेटर के लिए 1300 रुपये में अगले 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी दे रही है। तो मैं तो अपने लिए परचेस करने का प्लान कर ही लिया है। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कुछ भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह रखे हो जो आप यूज़ कर रहे हो और उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन होगा आप गो वारंटी को ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसकी जो बाइंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसी के साथ ही साथ अब यहाँ पे बात करें इस रेफ्रिजरेटर की प्राइस क्या है। तो इसकी प्राइस है 11,490 रुपये अमेजोन पर और ये मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया है। और यहाँ पे अब बात करें मुझे ये कैसे 8,500 रुपीज़ में पड़ा। तो यहाँ पे फेस्टिव सीजन चल रहा है तो यहाँ पे 500 रुपीज़ का मुझे कूपन कोड मिल गया जिसके थ्रू मेरा 500 रुपीज़ इमीडिएटली ऑफ हो गया उसमें। उसके बाद मेरे यहाँ पे घर पे एक्सचेंज वाला भी रेफ्रिजरेटर था जो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ नाम का ढांचा रखा हुआ था रेफ्रिजरेटर का, बस इतना ही था। उसमें लाइट जल रही थी और पावर ऑन करने पर सब चल रहा था लेकिन कूलिंग नहीं हो रही थी और कंडीशन भी खराब भी हो चुकी थी समझ लो। तो फिर भी उसका मुझे जो वैल्यू है 2600 रुपीज़ के आसपास मिला। तो अगर पूरा अगर हम लोग 500 और 2600 माइनस करें तो आ जाती है इसकी इफेक्टिव प्राइस 8400 समथिंग हो जाती है। तो मतलब 8500 रुपीज़ में मुझे ये रेफ्रिजरेटर पड़ा। सो मेरा रिकमेंडेशन होगा अगर इस फेस्टिव सीजन में आप कोई प्लान कर रहे हो एक रेफ्रिजरेटर लेने का, 3 से 4 लोग हैं फैमिली में या फिर उससे भी ज़्यादा लोग हैं, फिर भी अगर आपका मन है भाई कम बजट वाले लेने के लिए तो ये रेफ्रिजरेटर परफेक्ट होगा। कम प्राइस में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी और सैमसंग जैसा ब्रांड मिल रहा है तो स्ट्रांग रिकमेंडेशन होगा। इसकी जो बाइंग लिंक है जहाँ से आप खरीद सकते हो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना भाई, लाइक ठोको, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सारे वीडियो अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो जरूर कीजिए, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ अपडेट्स मैं डालते रहता हूँ। तो बस वीडियो को अंत करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही धमाकेदार कंटेंट के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।